नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल सोबरस में। साथियों, आज हम आपको हमारे भतीजे पवन से मिलवा रहे हैं। काफ़ी पुराने गोपालक हैं, गायें पाल के और कई कई पीढ़ी इन्होंने तैयार की हैं, और इनके घर पे बछिया जो है फर्स्ट टाइम इसने बच्चे को जन्म दिया है, और बड़ी सुंदर बच्चिया है, शांत है, श्रेष्ठ है, और मेल काफ है नीचे। और जो है आगे की बात जो है गाय का जितना भी परिचय है वो स्वयं हम पवन से लेंगे। आप पवन भाई ठीक ठाक है? हाँ जी। पवन कितने लिया था यार गाँव? ये जी गांव में ये कुत्ते ने पाड़ ली थी, इसका कान भी फट गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके ज्यादा चोट थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने बच्चिए ने इसको बांध लिया, छोटी बच्ची थी। अच्छा अच्छा अच्छा। इसकी सेवा सेवा करी, ये तैयार होगी, फिर ये गई नहीं तो हमने इसके टिक्का दरवाया, वो तो मान्या नहीं। हाँ हाँ। फिर अपनी ये गाय का खगड़ छोड़ रखा था। अच्छा अच्छा। वह उससे ये जो तेरा छोटे वाला सांड था। हाँ। अच्छा, उस तक क्रॉस हुई फिर या? हाँ, उसी से क्रॉस हुई। उस सांड का के रिकॉर्ड था, मतलब कितना दूध था उसकी माँ के नीचे? उसकी माँ का 16-17 किलो दूध था। अच्छे सांड से बछिया प्रेग्नेंट हुई है, बड़ी सुंदर शांत बछिया है। पीछे को भी पवन हाथ फेर के दिखा, देखिए साथियों, बिल्कुल बछिया शांत है, बिल्कुल शांत। ये देखिए, ये लोग कहते हैं हरियाणा नस्ल लात मारती है, झुंझलाट करती है, अच्छे से दूध नहीं देती। पवन कितना दूध है, कितने दिन की ब्याई होगी? ये 6 दिन की ब्याई होगी, 11 किलो दूध कह रही। देखिए बिल्कुल शांत बछिया है, 11 kg दूध है, नस्ल की भी श्रेष्ठ है, शांत भी है, और बड़ा सुंदर बच्चा है इसके नीचे। तो पवन काफ़ी गायें पाल ली तने, और दर्शकों ने ये बता कि भाई गाय में के गुणों हैं, लोग क्यों पाला इन्हें? गायें सबसे अच्छी है, और हिंदू धर्म में तो सबसे बढ़िया की गाय पालनी चाहिए, हर घर में हो एक तो। ये खुराक के बारे में बता, गाय की और भैंस की खुराक का कितना अंतर है? आधे से भी ज्यादा अंतर है, और भैंसों से जितना वो कराए इतनी गाय की खुराक बढ़ा दी तो मैं आने वाले टाइम में ये मानता हूँ कि अचक का मुकाबला करेंगे अपनी जो भारतीय नस्ल जो है। हाँ। देखो बड़ी अच्छी बात बताई है पवन ने कि भाई एक भैंस की खुराक में 2 गाय पड़ जाओ हैं, अच्छा दूध दे दे हैं, और इन पर मेहनत करी जाओ है तो ये मतलब विदेशी जो विलायती गाय है, चप है, जर्सी है, इन तभी मतलब श्रेष्ठ हो सके ही, और उनसे दूध बढ़िया है। दूध, हाँ दूध भी इनका श्रेष्ठ है बिल्कुल। चाहे जहर का खाना बेशक क्यों ना खा जाएं, लेकिन दूध फिर भी ये श्रेष्ठ ही देंगी। तो पवन तू तेरी गाय बिल्कुल खुश है? हाँ। तो साथियों, आपको बछिया दिखाने का एक मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई एक गाय तो अगर घर में क्षमता है, इच्छा पढ़ने की, एक गाय तो साथियों ज़रूर पढ़ो। कुछ इसमें ज़्यादा आप मतलब नफा नुकसान मत सोचो, एक प्रेम के तौर पे, एक सादे तौर पे एक गऊ तो घर में ज़रूर पढ़ो, आपको बहुत सारे लाभ दिखाई देंगे और आपके स्वभाव में भी जो है ना बदलाव आएगा। तो साथियों, ज़्यादा समय आपका मैं आज लूँगा नहीं, बस आज आपको यही 4 बात बताएंगे। तो साथियों इसी के साथ नमस्ते। साथियों चैनल बिल्कुल नया है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।